हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। द्विघात समीकरण में ये चीज़ आपसे हमेशा पूछा जाता है, और हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा दो दो नंबर के लिए आता है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस तरीके का प्रश्न दे देगा और कहेगा कि मूल बताइए, तो वो यहीं पर कन्फ्यूजन होगा अब इसका मूल क्या हो, ठीक। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि इसका मूल क्या होगा, कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आसान वाला लेते हैं, ठीक है, जिसमें रूट ना हो, जैसे यहाँ पर रूट दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न में दे करके और फंसा देता है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया है कि 2x² माइनस में एक्स प्लस में 1/8 बराबर में 0 दिया है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम कि इस बटे को गायब करना है, ठीक है। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल लिखिए कि 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0, ठीक। 8 से आप इसमें भी गुणा कर दीजिए और इसमें भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 8 × 16 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16x² / 8, ठीक। माइनस में यहाँ भी आपका 8 से ऊपर नीचे करेंगे तो 8x² प्लस में 1/8 बराबर में 0, ठीक। हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 सबके 8 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 8 को यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करने लगा, तो 0 के साथ में कुछ भी कोई भी संख्या गुणा करे वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारा ये किस टाइप का आ गया, तो ये हमारा एक गुणनखंड हम इसका कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का मिल गया है, ठीक है। तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए गुणनखंड में क्या करेंगे, इसको भी हम बराबर में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 को यहाँ पर हम ले जाएंगे, ठीक है, इसके साथ गुणा करा देंगे, ठीक। लिखते नहीं हैं लेकिन काम वही होता है। तो 16 का कुछ ऐसा तोड़ना है कि यहाँ प्लस है तो जोड़े तो 8 आ जाए। तो 16 को हमें दो भागों में तोड़ना है, ठीक है, दो भागों में। तो 4 × 16, 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 16x² माइनस लगा देंगे और 4x, फिर ये प्लस है तो 4x प्लस में 1 = 0 कर देंगे, ठीक है। तो 16x² माइनस में 4x, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला भी माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस में 1 = 0, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4x यहाँ भी है और इसमें 4 × 16, इसमें भी आपका कॉमन मिल जाएगा, और x भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4x पूरा कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन में आ गया, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x यहाँ पर बच जाएगा और 4 भी बच जाएगा, ठीक है, 4 × 16 तो 4 बच जाएगा और x बच जाएगा, लेकिन यहाँ से तो पूरा 4 गायब हो गया, तो जहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो माइनस का 1, ठीक। यहाँ से हम माइनस का कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 4x और यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 1 है, ठीक। ब्रेकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला जब चिन्ह है, ठीक है, ब्रेकेट्स पहले जब माइनस हो तो ये वाला चिन्ह जब इसके अंदर आएगा तो ये बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। प्लस में था तो माइनस में हो गया, अगर माइनस में होता तब प्लस में हो जाता, प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया। तो 4x माइनस का 1 और इन दोनों में से कोई 1, तो 4x माइनस का 1, ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 लगाते रहेंगे। अब इसी को हल कर देंगे तो 4x माइनस का 1 = 0, तो 4x बराबर में 1 को इधर कर देंगे, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में 1, 4 गुणा करें इधर जाएगा भाग करने लगा, यही इसका मूल हो गया, ठीक। दोनों सेम है तो दोनों का एक ही 1/4 ही यही वाला आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको मूल निकालना है, ठीक है। आइए इसका भी कर लेते हैं, तो इसको सबसे पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद से सेकेंड वाला ये वाला हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो सेम यही वाला 100 यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 100 का कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 20 है, ठीक है,
तो 10 दहा में 100, ये सारे प्रश्न आपके बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। तो इसको भी लिख लेंगे, तो लिखेंगे 100x² माइनस लगा देंगे, फिर ये 10x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस में 10x + 1 = 0 कर देंगे। तो 100x² माइनस है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो 10x माइनस में 10x + 1 = 0, ठीक। यहाँ भी 10, ठीक है, 10 है, इसमें भी 10 मिल जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x मिल जाएगा, तो 10x पूरा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 10 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो कितना 10 बच जाएगा, x से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, यहाँ से पूरा कॉमन है 10x, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं तो 1 ले लेंगे माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर जाएगा तो बदलेगा, तो 10x ये माइनस हो जाएगा, फिर 1, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से ये और ये एक साथ हो जाएगा, तो 10x - 1 और ये 10x - 1 बराबर 0, ठीक है, ये दोनों और इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर, ठीक, किसी एक को हल कर दीजिए, तो 10x - 1 बराबर में 0 लीजिए, एक को उधर भेज दीजिए, तो 10x = 1, तो x बराबर में 10 एक के नीचे हो जाएगा, सिंपल यही इसका मूल हो गया, ठीक। तो ये तो आसान है, ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक। अब आ जाइए, अगर रूट में कोई चीज़ दिया है तो इसको कैसे हल करेंगे, वो तरीके मैं आपको बता दूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने बता दिया, चौथा नंबर और ये तीसरा नंबर, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की बारी आती है, अब आ जाइए इसको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ एक बेसिक नियम है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट में 6 है या फिर रूट में 2 ही है, तो चलिए रूट में 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर दिया हो आपके सामने इस तरीके से 2, ठीक, इस पर कोई घात नहीं है, तो जिस संख्या पर कोई घात नहीं होता है तो मैथ ये कहता है कि इसके घात में आपका 1 है, ठीक है, 1 है। अब अगर आपको इसे तोड़ना है, ठीक है, 2 को अगर आपको 2 भागों में तोड़ना है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात में 1/2, 1/2 क्या है, आधा, ठीक है। किसी की घात में अगर 1 है तो इसको हम आधा आधा कर सकते हैं, ठीक है, गुणे में 2 की घात में 1/2, ठीक, ऐसे आप गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, फिर आधा और आधा जुड़ करके फिर ये हो जाएगा कितना, ये 2 की घात में 1 फिर से बन जाएगा, ठीक। तो ये नियम होता है, अगर 2 की घात में 1 है तो उसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब यही चीज़ें अगर इतना मालूम हो गया तो आपको बस एक चीज़ और याद रखना है कि किसी भी संख्या के घात में अगर आधा लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम रूट में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे में रूट में 2 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 आपको कहीं पर भी अगर रूट अगर दिखे तो समझ जाना है कि उस रूट को हटा करके हम उसके घात में 1/2 भी हम रख सकते हैं, ठीक है, ये मैथ का नियम होता है। बस इतना अगर आपको पता है तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए आप फटाक से हल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रूट 2 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये घात में 2 की घात में 1/2 गुणे 2 की घात में 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2 की घात में 1, ठीक। आगे समझ में, अब इतना समझ में आ गया मतलब कि इसको आप इजीली हल कर लेंगे। देखिए 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सिंपल आपका 6, ठीक। अब 6 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2√6 जोड़े तो 2√6 आ जाए, 2√6 का मतलब है कि रूट 6 2 बार है, ठीक। इसको अगर हम 2√6 को अगर हम अलग अलग करें तो ऐसे करेंगे कि एक, इसको हम यहीं पर बता देते हैं, 1√6 + 1√6 बराबर में इसी को लिखेंगे 2√6, ठीक। तो ये वाला इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, कह रहा है ये 6 क्या करना है, इस 6 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो ये इतना 2√6 आ जाए, गुणा करे तो ये 6 आ जाए, ठीक। तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं √6 और √6 के रूप में, ठीक,
दो भागों में तोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो दो रूट छः हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसमें क्या है कितना हो जाएगा। अभी हमने बताया था कैसा कि दो की घात में एक बटा दो गुणे दो की घात में एक बटा दो बराबर कितना है दो की घात में एक। उसी तरीके से छः की घात में एक बटा दो गुणे छः की घात में एक बटा दो बराबर में छः, ठीक यही वाला नियम। तो गुणा करेंगे तो छः हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब इसी को सिंपल यहाँ पर कर दीजिए तो लिखेंगे कि तीन यक्स का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर रूट का छः और यक्स प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे रूट का छः और यक्स और उसके बाद से प्लस में दो बराबर में जीरो। अब इसको साफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सिंपल इसको हल कर देंगे तो तीन यक्स का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट्स वाले माइनस से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, रूट का छः एक्स माइनस में रूट का छः एक्स प्लस में दो बराबर में जीरो, ठीक। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो कॉमन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ और कि इस तीन को भी तो हम दो भागों में लिख सकते हैं ऐसे, रूट का तीन गुणे रूट का तीन और यक्स का स्क्वायर है माइनस में, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट का तीन गुणे रूट का दो, ठीक। इसका गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ भी कर देते हैं माइनस में रूट का तीन गुणे रूट का दो, फिर ये वाला प्लस में। अब इस दो को भी तो तोड़ सकते हैं तो इसको भी कर देंगे रूट का दो गुणे रूट का दो, एकदम से विस्तार कर दिए, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यक्स भी है तो यक्स भी लगा देंगे, यक्स और यक्स कॉमन में आ गया, यक्स यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है तो ये रूट में यक्स कॉमन में आया और उसके बाद से रूट में तीन, ठीक है। तो ये कॉमन में आ गया, इसको लिखे रहने देते हैं, ये और ये, ठीक है, कॉमन में आ गया और यक्स भी कॉमन में आ गया। तो अब बचा कौन सा, एक रूट बच गया, एक रूट तीन बच गया, फिर माइनस में एक रूट दो बचा है, एक रूट दो बचा है और यक्स दो बार है एक बार यक्स बच जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें, तो ये माइनस बीच में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस है ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये और ये कॉमन हो जाएगा तो रूट में दो माइनस कॉमन हो गया, ठीक है, तो रूट में तीन और यक्स भी है इसके साथ में, हमने नहीं लिखा था तो ये वाला साथ में। फिर यहाँ पर आपका ब्रेकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा और एक रूट बचा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर में जीरो, ठीक। ये और एक साथ हो जाएगा तो एक्स रूट का तीन माइनस में रूट का दो और उसके बाद से इन दोनों में से कौनो एक, तो रूट का तीन एक्स माइनस का रूट का दो बराबर में जीरो, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो हल कर देते हैं, तो एक्स रूट का तीन माइनस का दो बराबर में जीरो, रूट का दो है तो ये हो जाएगा एक्स बराबर में रूट तीन बराबर में, इसको हम बराबर के इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा दो, ठीक। अब तो रूट तीन को भी इधर भेज देंगे तो एक्स के साथ में गुणा करा इधर जाएगा भाग करने लगेगा तो एक्स बराबर में रूट का दो बटे में रूट का तीन, ठीक। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबके बटे में दो बटे में तीन, ठीक है, पूरे रूट में, इसी दोनों रूट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों सही है, ठीक है, यही इसका क्या है मूल है। उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए फटाफट इसको हल कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या वो कहता है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो अगर दिया है कि पाँच रूट में दो रूट में दो और इस दो का गुणा इसमें करना है, ठीक है, इसमें करना है तो ये रूट में दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा, पाँच गुणे दो हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि दस। तो मतलब कि यहाँ पर दस को तोड़ना है आ जाए सात, ठीक है, दस को दो भागों में तोड़ना है तो पाँच दूना दस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट का दो एक्स का स्क्वायर
उसके बाद से प्लस लगा लेंगे और लिखेंगे कि 5x + 2x + 5 रूट का 2 = 0। ठीक, तो रूट का 2x² + 5x + √2x + √2 = 0। ठीक, अब इसमें से कॉमन लेने वाला है, उसको कॉमन ले लेंगे, तो यक्स और यक्स कॉमन हो रहा है, तो यक्स कॉमन में आ गया, तो रूट का 2x, फिर यहाँ पर प्लस का 5, फिर यहाँ से रूट का 2 कॉमन हो सकता है क्योंकि इसको हम 2 इस तरीके से तोड़ सकते हैं, एक लाइन और कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 को हम तोड़ सकते हैं, रूट का 2 × √2, और साथ में यक्स भी है, और उसके बाद से प्लस में 5 √2 = 0। ठीक, लिख देते हैं कि एक्स और रूट में 2x + 5 + कॉमन ले लिए थे, ठीक है, तो रूट में 2 और रूट में 2x फिर प्लस में 5 = 0, ये साथ में आ जाएगा, x + √2 और √2x + 5 = 0। ठीक, अब क्या करेंगे, तो मूल इसका 2 आएगा, 2 मूल आएगा x + √2 = 0 लिखेंगे, तो x = √2 - लगा करके ये आपका आ गया। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं, तो √2x + 5 = 0 लिखेंगे, तो √2x और इसको हम इधर भेजेंगे तो -5 x = -5, √2 को इधर कर देंगे तो √2। सिंपल, यही दोनों आपका मूल आ गया। ठीक है, पहला मूल, दूसरा मूल, तो इस तरीके से कोई भी आपका रूट वाला इस तरीके से द्विघात समीकरण दिया हो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।